अरे प्रिय भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, कल 5 नवंबर को देहरादून में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक मानव श्रृंखला बनाई जा रही है, जिसमें स्कूल के बच्चे हों, कर्मचारी हों, व्यापारी हों, तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, नागरिक संगठन हैं, सभी इसमें सहभागी बने, ऐसे आपसे मेरा अनुरोध है। ये मानव श्रृंखला जिसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग सहभागी बनेंगे और 50 किलोमीटर से लंबी ये मानव श्रृंखला बनेगी, जो मसूरी डाइवर्जन से लेके मियांवाला, घंटाघर और आगे जनरल महादेव सिंह मार्ग होते हुए फिर सहारनपुर रोड से देहरादून होते हुए फिर घंटाघर पर आएगी। मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि हम पॉलीथीन का जो प्रयोग कर रहे हैं उसके किस तरह से दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, चाहे मनुष्य हों, पशु पक्षी हों, हमारे पालतू पशु हों या फिर वन्य जीव हों, यहाँ तक कि जो समुद्री और नदियों में जो जीव रह रहे हैं वो भी उसके दुष्परिणामों का शिकार हो रहे हैं। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि जंगल में हाथी के पेट में भी किस तरह से पॉलीथीन पहुंच गया, यह आज सबके लिए एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है। उसके कारण हमारे पशुओं में तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, मनुष्यों में बीमारियां हो रही हैं, तमाम तरह के संकट, नालियां हमारी उसके कारण चोक हो जाती हैं और बरसात के दिनों में वो एक गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप जो जागरूकता के लिए कल 5 नवंबर को मानव श्रृंखला बनाई जा रही है, आप उसमें सहभागी बने और सिंगल यूज प्लास्टिक को हम ना कहें, बाय बाय कहें, टाटा कहें, हम संकल्प लें कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।